Assalamualaikum friends, मैं आप लोगों का दोस्त HB, welcome to my YouTube channel, HB Tech channel. जिन दोस्तों ने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों से गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूले, क्योंकि मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और स्पेशल वीडियोज लेके आता रहता हूँ. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अपने वीडियोज़ को टॉप पे सर्च इंजन में टॉप पे ला सकते हो. अगर कोई मतलब यूट्यूब के ऊपर अगर कोई वीडियो देखना चाहता है, अगर यूट्यूब को सर्च पे लगाएगा तो आप लोग आपका वीडियो टॉप पे आए, ताकि वो उसको देख के आप ही का वीडियो चलाए और आपके व्यूज़ बढ़े और आपके वॉच टाइम बढ़ जाए. तो आप लोगों को मैं प्रूफ के लिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये अपने वीडियोस आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मेरे वीडियो कैसे टॉप पे जा रहे हैं. हालांकि जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके शायद करोड़ों होंगे, और वो लोग मुझसे पहले अपने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन उनकी जो वीडियोस है वो नीचे आप लोगों को नजर आएंगे और मेरी वीडियोस टॉप पे नजर आएंगे. आज के वीडियो में मैं यही आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने अपने वीडियोस डाउन से टॉप पे कैसे ले जाना होता है. तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. टेक्नोलॉजी के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए. बहुत सारे हमारे जो दोस्त है, अक्सर नए जो यूट्यूबर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो कुछ गलतियां करते रहते हैं. जैसे शुरू में मैं गलतियां करता रहता था अपने पुराने चैनल में, जो जिसकी वीडियोज आपको टॉप पे नहीं मिलेंगे. अभी जो ये मेरा चैनल है, इसको चंद ही अरसा हो गया है और आप लोग अगर मेरा कोई भी वीडियो सर्च पे लगाएंगे वो आप लोगों को टॉप पे मिलेगा आप लोगों को. तो आप लोग वहाँ से उनको देख सकते हैं कि मेरे वीडियोस कैसे टॉप पे जा सकते हैं. अभी मैं आप लोगों को ये मेथड सिखाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे वीडियो टॉप पे जाते हैं. तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को मेरा ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना होगा. कभी आप लोगों ने मेरा वीडियो स्किप नहीं करना होगा, नहीं तो फिर पूरा बात आप लोगों के समझ में नहीं आएगा. सबसे पहले फ्रेंड्स, जो बात आता है, जो एक टॉपिक आ जाता है जिसके ऊपर आप लोग चैनल बनाते हो, उसी से रिलेटेड आप लोग वीडियोज बनाते हो, तो आपका टॉपिक वही होना चाहिए. और उसके अलावा आप लोग जब अपना ये जो चैनल क्रिएट करते हो, वहाँ पे कैटेगरी का एक ऑप्शन आ जाता है. कैटेगरी में आप लोगों ने वैसा ही कैटेगरी सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप लोग वीडियोस बनाओगे. फनी कैटेगरीज है, एजुकेशन कैटेगरीज है, दूसरे भी कैटेगरीज है. वहाँ पे मसलन आप ऐसी वीडियो बना रहे हो कि तो दूसरों को कुछ सिखा रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों ने एजुकेशन को सिलेक्ट करना होगा. इसके अक्सर लोग बना ले, लोगों को बातें सिखा रहे हैं, चीज़ें सिखा रहे हैं, और वो फनी जो फनी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो फिर ये सर्च इंजन में नहीं आएगा, आपका वीडियो टॉप पे नहीं जाएगा. तो ये नंबर दूसरे नंबर पे यही चीज़ होना चाहिए. और तीसरे नंबर पे जो चैनल कीवर्ड्स होते हैं, वो जो क्रिएट चैनल क्रिएट करने के टाइम पे वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जो चैनल कीवर्ड्स का, वो कीवर्ड्स भी आप लोगों ने वैसे ही बनाने होंगे. मसलन मैं अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मेरा वो चैनल कीवर्ड्स क्या होंगे, मोबाइल ट्यूटोरियल, अर्निंग ऑनलाइन मसलन, और मोबाइल ऐप्स, मतलब ऐसे कुछ मिलते जुलते मेरे टॉपिक से, मेरे वीडियो से मिलते जुलते कुछ अल्फाज मैं वहाँ पे कीवर्ड्स में लिखूँगा, तो वो भी सर्च इंजन में काम आ जाते हैं. और उसके बाद जो चीज़ आ जाता है वो आ जाता है आपके वीडियो की जो थंबल है उसके ऊपर. आप लोगों ने थंबल ऐसे बनाना है कि वो उसी टॉपिक के मुताबिक हो, और वहाँ पे वही चीज़ें लिखे, ठीक है, जो वही टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाना चाह रहे हो. और उसके बाद आ जाता है टाइटल का, जो आप लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो टाइटल लिखेंगे. टाइटल आप लोग उस के रिलेटेड लिखे जो आपका मतलब जो वीडियो है, और जो आपका वहाँ से जो कैटेगरी से, वहाँ से जो कीवर्ड से, और थंबनेल से, और टाइटल से मिलते जुलते नाम होने चाहिए, ठीक है, सभी. तो टाइटल हो गया, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन का नाम बाद नंबर आ जाता है. डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों ने ऐसे ऐसे अल्फाज लिखने होंगे, यही टॉपिक के मिलते जुलते अल्फाज आप लोगों ने लिखने होंगे. मसलन किसी अगर काइंड मास्टर के ऊपर आप लोगों का वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने पहले तो यही लिखना है कि फ्रेंड, मैं काइंड मास्टर के ऊपर ये वीडियो बनाया है, इसमें ये चीज़ आप लोगों को सिखाया है, और उसमें काइंड मास्टर का लिंक दे, जो भी ऐप का आप लोग बताएंगे उस ऐप का लिंक आप लोगों ने देना है. और उसके बाद लास्ट में जो बात आ जाता है वो आ जाता है टेक्स्ट के ऊपर. जो टैग्स होते हैं उनको भी आप लोगों ने इसी के ही रिलेटेड, यही टॉपिक, यही वीडियो, यही डिस्क्रिप्शन और यही टैग आप लोगों ने बिल्कुल सब कुछ बराबर ही देने होंगे, और वही उसी से मिलते जुलते कुछ अल्फाज लिखने होंगे. अगर आप लोगों को ये टैग्स, डिस्क्रिप्शन या टाइटल के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे, तो इजीली आप लोग यूट्यूब पे सर्च में वो चीज़ें लगाएंगे, आप लोगों के लिखते हुए वो चीज़ें आप लोगों के नीचे कुछ और कीवर्ड्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे, तो वहाँ से आप लोगों को कॉपी करके या उनको याद करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपने उसमें टैग्स में और अपने
टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में। तो यही है बात की, मतलब कुल मिला के बाद यही है कि आप लोगों ने पूरे ऊपर से नीचे तक सारा कुछ वही ही अपने टॉपिक के, वही अपने वीडियो के मुताबिक आप लोगों ने कीवर्ड्स, अल्फाज सब कुछ आप लोगों ने बनाने होते हैं। तब जाके अगर कोई इसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो सर्च करेगा तो आपका वीडियो टॉप पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा। यहाँ पे ये नहीं है मतलब जो जितना पुराना होगा, जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे या जो बात अच्छा कर सकता है उसका वीडियो ऊपर जाएगा, नहीं। यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई मसलन व्हाट्सएप के ऊपर उसको वीडियो चाहिए, वो व्हाट्सएप लिखेगा तो ये यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो उनको सर्च कैसे करता है, वो देखता है कि इसका भाई ये इसको कुछ सीखना है तो ऐसा कैटेगरी देखना है कि जो एजुकेशन के मुताबिक हो, नंबर एक। दूसरा बात, ऐसा मतलब टॉपिक देखना है जिसमें व्हाट्सएप का नाम हो और उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका भी नाम हो, डिस्क्रिप्शन में भी नाम हो और उसका लिंक भी दिया हुआ हो और उसके टैग्स में भी यही अल्फाज मिले। ये सब चीज़ें मिलेंगे जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होंगे तो वो वही वीडियो को पहले शो करेगा और पहले टॉप पे लेके आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मुझे समझाने में कोई मतलब अच्छे तरीके से आप लोगों को नहीं समझा सका तो कमेंट्स में आप लोग अपने राय से मुझे आगाह कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम में अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों की खिदमत में ले आता रहूं। और फ्रेंड्स आप लोगों से गुजारिश है कि ये मेरा चैनल नया है तो इसको प्रमोट करने के लिए आप लोगों ने जो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पर क्लिक करना है। आज के लिए इतना, फिर कभी किसी और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।